मुजफ्फरपुर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण इस बार खेतों में 3 महीने से ज्यादा जलभराव जो है वो देखने को मिल रहा है। इस कारण खरीफ फसलें भी है करीब खराब और बर्बाद हो चुकी हैं। आलम यह है कि किसानों को खेतों में धान की फसलों में आग लगाने की नौबत तक आन पड़ी है। मुनाफा तो दूर है, पूंजी भी नहीं निकल पा रही है। जिन किसानों ने कर्ज लेकर धान रोपी है उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सकरा प्रखंड के कई इलाकों में किसान आहत होकर धान की फसलों में आग लगा रहे हैं। किसान बताते हैं कि 3 एकड़ में धान की फसल लगाई थी और 50,000 से ज्यादा लागत था, लेकिन पौधों में बाली नहीं आई और कारण ये खेत में आग लगाना पड़ रहा है। किसानों ने ये भी कहा कि कर्ज लेकर खेती की थी लेकिन 1 रुपया भी नहीं निकला है, अब कर्ज कैसे चुकाएंगे यही चिंता सता रही है। खेतों में पानी कम होने के कारण जो फसल बची उसमें दाना नहीं निकला है। मजदूर भी फसल काटने के लिए तैयार नहीं है, फसल में दाना ही नहीं है, इसलिए आग लगाने को मजबूर है। कृषि विभाग ने फसल क्षति रिपोर्ट की है और इसके अनुसार कई लाख और कई हजार जो हेक्टेयर है उसमें फसल खेती हुई है और इसमें 1,02,885 हेक्टेयर में लगी फसल प्रभावित हुई है। इसको लेकर भी किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। वहीं बाढ़ और जल भराव के कारण भी किसान परेशान हो रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी शीलाजीत सिंह ने बताया कि इस संबंध में किसान से कोई जानकारी नहीं मिली है। कृषि जो किसान है वो लगातार परेशान हो रहा है और वहीं किसानों का कहना ये भी है कि किसान सलाहकार और कृषि समन्वय को भी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने कोई सुध नहीं लिया है। गोपालगंज में एक पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जो है वहां पहुंच गए और अपराधी वहां से फरार हो गया। लोगों का कहना है कि पान दुकानदार ने पूर्व मुखिया के पति पर टिप्पणी की थी और उसने कहा था कि वो किसी भी हाल में उसे वोट नहीं देगा, जिसे जो करना है कर ले। इसके बाद 24 अक्टूबर को हुए 5वें चरण के चुनाव में पूर्व मुखिया की हार हो गई और परिजनों का आरोप है कि पूर्व मुखिया पति ने ही हत्या करवाई है। और ये घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के खेरकटिया बाजार की बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मीरगंज थाना अध्यक्ष छोटन कुमार ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि चुनावी रंजिश में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। उसने चुनाव में भी संदर्भ में कुछ कहा था जिसके बाद से ही वारदात को अंजाम दिया गया। पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मृतक की पहचान खेटिया पंचायत निवासी 60 वर्षीय सुभाष सिंह के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि सुभाष सिंह रोज की तरह खाना खाकर पान की गुटकी लेने गया हुआ था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी आए और सुभाष को गोली मार दी गई और इसमें उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।